हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आपसे जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र के प्रथम सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 तक हमने पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4 और ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है यूनिट नंबर 4 पर। थोड़ा सा बड़ा है यूनिट नंबर 4, तो ये हमारी पहली वीडियो है यूनिट नंबर 4 पर। तो आज हम जो यूनिट नंबर 4 है इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, भारतीय संविधान और शिक्षा। इसमें हमको भारतीय संविधान के बारे में भी समझना है और एजुकेशन के बारे में भी समझना है, और भारतीय संविधान में एजुकेशन की क्या भूमिका है और भारतीय संविधान के वजह से एजुकेशन को क्या वैल्यू मिली है, उन टॉपिक्स पर हमको आज डिस्कस करना है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार विजिट करके देख लेना, काफी कुछ थोड़ा बहुत चीजें आपको समझने को मिल सकता है इस पॉइंट से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान, चूंकि आपको पता है हमारा देश आजाद जब हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बाकी संविधान स्टार्ट हो गया था बनना तो आजादी के पहले ही, बट लागू किया गया 1950 में 26 जनवरी को। तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया, उस भारतीय संविधान में एजुकेशन को लेकर के कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, या फिर उस संविधान में अधिकार नहीं मिले तो उसके बाद संशोधन के माध्यम से कौन कौन से एजुकेशन से रिलेटेड अधिकारों को जोड़ा गया, इन टॉपिक्स पर हमको बात करनी है। तो देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम शिक्षा के बारे में बात करें कि भारतीय संविधान में एजुकेशन को लेकर के क्या क्या बात कही गई है, तो भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के पहली चीज यह है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान में यह बात कहा गया है कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। किनके लिए होनी चाहिए, यह बात कहा गया है अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के ए में 86वें संशोधन के माध्यम से इस चीज को जोड़ा गया है, एड ऑन किया गया है कि 6 से 14 साल के आयु के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होनी चाहिए। 6 से 14 साल तक किनकी शिक्षा होती है, तो ये शिक्षा होती है आपके प्राइमरी एंड जूनियर की। तो प्राइमरी यानी कि क्लास 5 तक के सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, सभी को इतनी एजुकेशन तो मिली ही जानी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला शिक्षा का जो भारतीय संविधान के अनुसार है वो यही है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को मिलनी चाहिए। दूसरा चीज कि राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है। आर्टिकल 28 में यह चीज कहा गया है कि राज्य वित्त पोषित मतलब राज्य के द्वारा पैसे दिए जाने वाले संस्थान, यानी कि जिन संस्थानों की पूरी बागडोर राज्य के हाथों में, राज्य जिनके हर एक टीचर्स की सैलरी देता है, राज्य डिसाइड करता है उनके प्रोग्राम किस तरीके से होंगे, उनके सिलेबस किस तरीके से होंगे, तो जो लोग भी अपनी पूरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए राज्य पर निर्भर है, राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है, यानी कि उनको किसी भी धर्म रिलेटेड की शिक्षा के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, कनेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप पैसे तो ले रहे हो राज्य सरकार से लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसमें धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, उसमें आप एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है, जो नॉर्मल एजुकेशन है जो सभी रिलीजन के लोगों को मिलना चाहिए, वो एजुकेशन नहीं दे रहे हो, बल्कि आप पर्टिकुलरली किसी रिलीजन के एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, तो राज्य वित्त पोषित संस्थानों में ये चीजें नहीं चलने वाली है, यह आर्टिकल 28 के माध्यम से बताया गया है। तीसरी चीज कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी कुछ अधिकार संविधान के द्वारा में दिया गया है, कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पास शिक्षा से रिलेटेड कुछ अधिकार है, जैसे कि राज्य व शिक्षा की दृष्टि से सभी समान है। आर्टिकल 29 का सेकेंड पार्ट ये बोलता है कि राज्य और शिक्षा की दृष्टि में सभी समान है, यानी कि राज्य की दृष्टि में जो हमारी राज्य की गवर्नमेंट है, सरकार है, और शिक्षा की दृष्टि में सभी लोग समान है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी जनजाति से हो, वो किसी भी क्षेत्र से आ रहे हो, राज्य और एजुकेशन की दृष्टि से उनको समान अधिकार दिया जाना, यानी कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 29 सेकंड के माध्यम से ये चीज कहा गया है संविधान में कि ये हर व्यक्ति की संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड यह अधिकार है। दूसरी चीज कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, जिन लोगों की संख्या समाज में कम है, जो अल्पसंख्यक के रूप में देखे जाते हैं, वो अपनी शिक्षा को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं।
शिक्षण संस्थान वो चला सकते हैं और उन शिक्षण संस्थानों की पूरी देखरेख वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। और आर्टिकल 30 के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में सहायता में कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि राज्य सरकार जिस तरीके से और विश्वविद्यालयों को शिक्षा में व्यवस्था देगी, सहायता प्रदान करेगी, उसी तरीके से जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए भी जो एजुकेशन खोलेंगे, जो कॉलेजेस खोलेंगे, जो विश्वविद्यालय खोला जाएगा, उसको भी शिक्षा व्यवस्था में सहायता उसी लेवल में प्रदान किया जाएगा जैसे दूसरे विद्यालयों को दिया जाता है। मतलब उस चीज के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों को भी राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया। अब बात करते हैं शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, कि शिक्षा को लेकर के संविधान में क्या चीज प्रावधान दिया गया है, किस प्रावधान के बारे में बात किया गया है, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है, हमारे संविधान ने एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सभी लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, रिलीजन से हो, कास्ट से हो, लिंग से हो, जनजाति से हो, जात से हो, इन सभी के परे एजुकेशन को एक बेहतर लेवल पर पहुंचाने के लिए और सभी को एजुकेशन मिल पाए, इसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान रखा गया, उस टॉपिक पर आइए समझते हैं। तो संविधान में अनेक शैक्षिक विषय सम्मिलित हैं। हमारा जो संविधान है, आप संविधान उठा करके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें कई सारे शैक्षिक विषय सम्मिलित हैं, कई सारे आर्टिकल्स आप देख लोगे शिक्षा से रिलेटेड हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली शिक्षा को मेंशन करते हैं या फिर किसी ना किसी एंगल से वो शिक्षा से कनेक्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो भारतीय संविधान में अनेक शैक्षिक विषय सम्मिलित है, जो कि अगर आप देखोगे तो मुख्य रूप से संविधान के खंड नंबर 3 और खंड नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड मैक्सिमम पोर्शन आपको जो संविधान है उसके खंड नंबर 3 और 4 में मिल जाएंगे। और इसका दायित्व क्या है खंड नंबर 3 और 4 में, कि इसका दायित्व केंद्र और राज्य दोनों में स्पष्ट विभाजित है कि एजुकेशन में किस हद तक केंद्र सहायता प्रदान करेगा या केंद्र की बातें मानी जाएंगी और किस हद तक राज्य की बातें मानी जाएंगी, राज्य उसमें अपनी सहायता देगा, पैसे, इन्वायरमेंट, जिस भी माध्यम से हो सकता है। तो ये इनका क्या उत्तरदायित्व है केंद्र का, क्या उत्तरदायित्व है राज्य का, ये पूरी तरह से स्पष्ट विभाजित है। कई सारी यूनिवर्सिटीज आपने देखे होंगे केंद्र के द्वारा चलते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो राज्य के द्वारा चलते हैं, तो उनका पूरा पूरा विभाजन है कि कौन किस रूप में कहां पर किस रूप में काम करेगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है, यानी कि संविधान का जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है, जो कि हमने यहां पर देखा था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये कौन सी शिक्षा थी, 6 to 14 years। तो ये कौन सी शिक्षा होती है, ये प्राथमिक शिक्षा होती है। तो प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है हमारे संविधान के माध्यम से। संविधान के प्रावधान में आगे कहा गया है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, मतलब जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, जो कास्ट के बेस पर, धर्म के बेस पर, जनजाति के बेस पर अल्पसंख्यक माध्यम में आते हैं, उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा अधिकारों में समानता, यानी कि शिक्षा में जो अधिकार दिया जा रहा है उसमें किसी भी रूप में, चाहे लिंग के बेस पे हो, जन्म जात के बेस पे हो, रंग के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, धर्म के बेस पे हो, किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमेशा क्या होगा समानता दिया जाएगा, शिक्षा के अधिकारों में समानता दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों की शिक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा कि वो लोग भी अपनी शिक्षा को पूरी कर सके, उनके लिए भी शिक्षा को मुहैया कराया जा सके, कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं उन्हें अपने धर्म की शिक्षा की स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म की शिक्षा को दे सकते हैं, लोगों को शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, यह हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा ले सकता है। शिक्षा का माध्यम भी जरूरी है कि शिक्षा का कौन सा माध्यम हम ले रहे हैं, हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम आप प्रमोट कर रहे हो, तो शिक्षा में मीडियम के बेस पर ऐसा ना हो कि किसी मीडियम के बेस पर कोई लोग पिछड़े रह जाए, सभी को मीडियम की स्वतंत्रता है। हिंदी भाषा का विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है भारतीय संविधान में, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप में शिक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो हमको जो इसमें समझना था कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस तरीके से है, तो भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है 6 to 14 years के लोगों को, 86th अमेंडमेंट में ये चीज जोड़ा गया है 21A आर्टिकल के तहत। राज्य से जो वित्त पोषित संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। संस्कृति और को बचाने के लिए, संस्कृति के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के प्रावधान कौन कौन से, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, जो कि हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, और भी लोगों तक हम पहुंच सके, जिससे कि और भी रीच मिलेगी और भी लोगों की लाइफ बेटर हो सकती है।
ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।